Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Pashto zuban to sabko samajh mein aati? Yes sir. Acha. Oh. No sir bhi hai. Fine, I'll proceed with Urdu. It's a fascinating moment and I'm very inspired. Aur ye aapki khushkismati aur main ye samajhta hu ki it's an honor ke is khitte mein नावागई में भी इस किस्म का कोई एक दर्जगाह हो सकती है. अब पूरी बिल्डिंग का जब मैंने दौरा किया तो मुझे ये एहसास मेरे साथ जा रहे थे कि कैसे पॉसिबल. और लेकिन ये है तो ये आप सबकी बड़ी खुशकिस्मती है, ये अल्लाह की एक नेमत है. अब इस नेमत को अब ये डिपेंड्स ऑन यू किस तरीके से आप इस नेमत को यूज़ करते हैं, इसको अवेल करते हैं और किस तरह इसको आगे लेकर जाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. ही वॉज टॉकिंग अबाउट नेचर, कुदरत. इस दुनिया में कोई चीज़ बगैर रीज़न के नहीं है. इस कॉलेज के बनने के पीछे भी रीज़न है. अगर इस कॉलेज के बनने का रीज़न इससे उठाया जाए तो सब कुछ लाहासिल है. अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जहाँ नज़र दौड़ाया कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत ने बनाई हो और उसके पीछे रीज़न ना हो. सिंपल, पौधे को कुदरत ने क्यों पैदा किया? ऑक्सीजन मिलती, साया भी मिलती, पल भी हासिल करते. अगर ये तीनों फैक्टर पौधे से उठाए जाए तो फिर क्या होता है पौधे के साथ? कुल्हाड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता? हर चीज़ के पीछे रीज़न है. ये बाहर हॉल से निकलो, ये इतना बड़ा माउंटेन आपको नज़र आ रहा, रीज़न. कोई चीज़ बगैर रीज़न के नहीं है बच्चों. आपकी ज़िंदगी का भी एक रीज़न. जो इंसान अपने होने का रीज़न खो देता है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, ठुड्डा पड़ता है उसको, कॉर्नर हो जाता है. इस आफाकी निज़ाम में कुदरत के इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर फेंक दिया जाता है, अननोन हो जाता है. और कुदरत ने जो चीज़ पैदा की है उसमें रीज़न के साथ साथ जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो इम्पैक्ट करना है, और इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है. उसके होने से राइट और लेफ्ट को मुस्बित असर और उसकी हियत और उसकी जो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट का ये फैक्टर लाजमी. नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो टूटा पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं. हमाद ने अपने सेशन में जिन एहसास पर और जिन आइडियाज़ पे बात की उसमें ये बात सबसे ज़्यादा मुझे समझ में आ गई कि आप जब होते हैं तो आपके होने से उसके पीछे जो रीज़न है उससे फ़र्क पड़े. अगर वो फ़र्क ही ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान अपनी अहमियत खो देता. अब इस कॉलेज का मामदगढ़ में नावागई के इस एरिया में इसके पीछे एक रीज़न ये कि इस खत्ते के नौजवान बच्चों को वो तमाम सहूलियात दी जाए, वो ह्यूमन कैपिटल इस पर डाला जाए, इनको वो माहौल दिया जाए जो डिज़र्व करता है, और उसके बाद इसको माशरे के लिए एक खूबसूरत इंसान बनाया जाए. ये डॉक्टर बने और बीइंग अ डॉक्टर अपने माशरे को इम्पैक्ट करे, इंजीनियर बने, कमाल के इंजीनियर बने, और ऐसे इंजीनियर बने कि माशरे को इम्पैक्ट करे, माशरे को पॉजिटिव इम्पैक्ट करे. ये आर्मी की तरफ जाए, जिस फील्ड में भी ये जाए उसकी ज़िंदगी कुदरत के इस इशारे के मुताबिक हो जिसमें आपके होने की वजह से माशरे को बनते पलते और बनते देखा जाए. दैट इज़ बट द रीज़न. तो अब अगर इंस्टीट्यूशन का रीज़न, यानी कि कोई चीज़ बगैर रीज़न की नहीं, ये लाइट लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये रोशनी देता है. ये रोशनी बंद कर देना तो डस्टबिन में चला जाता. तो आपकी ज़िंदगी का भी फिर एक रीज़न. अब आप यहाँ पर हो किस लिए? ये क्यों हम सुबह सवेरे इतने अर्ली उठते हैं, मस्जिद जाते हैं, ड्रेसअप करते हैं, ये स्टार लगाए होते हैं, सब फ्रंट पे बैठे हुए सारे इधर हम सब, क्योंकि हम इलम इकट्ठा करने, इलम बांटने, तालीम हासिल करने के लिए इस जगह में आए हैं. दैट इज़ व्हाट द रीज़न बिहाइंड योर बीइंग हेयर. एक प्रोफेसर से एक यूनिवर्सिटी में एक शागिर्द ने सवाल किया, तालीम क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन? इस प्रोफेसर ने एक तो लफ्ज़ों में कहा कि जो किरदार नहीं से है कर दे, तालीम
एक प्रोफेसर से एक शागिर्द ने सवाल किया, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाई एम आई सिटिंग हियर, मामदगढ़ कैरेज कॉलेज स्कूल में क्यों एडमिट हुआ मैं, एजुकेशन क्यों हासिल कर रहा हूँ, व्हाट इज एजुकेशन, सवाल हुआ एक प्रोफेसर से। उसने कहा जो नहीं से है कर दे, यानी कि जो किसी चीज को वजूद में लेकर आए, जो किसी तोड़ को जोड़ में बदल दे, जो किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे दे, जो किसी चीज को हल की तरफ लेकर जाए, जो तख्लीक कर दे, जो किसी चीज को वजूद दे दे, एग्जिस्टेंस कर दे, ये तालीम। अगर तालीम के पीछे रीजन तख्लीक निकाली जाए तो तालीम तो नहीं हुई। तालीम आपको क्यों मिलती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग एजुकेशन, इज टू मेक द थिंग्स एंड पुट द थिंग्स इनटू द राइट डायरेक्शन एंड टू ब्रिंग कंस्ट्रक्शन इनटू द सोसाइटी एंड टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर एंड टू मूव फॉरवर्ड एंड टू हेल्प राइट एंड लेफ्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, द रीजन बिहाइंड योर जर्नी। वंस जब आप ये रियलाइज करते हैं कि मेरी जिंदगी, मेरी स्ट्रगल, मेरी डेस्टिनी और मेरे ख्वाब के पीछे ये रीजन है, तो आप एक नाकाबिल यकीन फोर्स अपने वजूद में एक डिवाइनिंग, एक डिफरेंट एहसास आप फील करते हैं और आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात रास्ते में फिर नहीं आते। रीजन, यू लिव विद द रीजन, यू लिव विद द लॉन्ग वे and you believe to help the right and left, as Ahmad has explained. So this is what ke main ye samajhta hu ke talib ilm aur ilm ke liye iske piche reason nahi se hain, bringing the people together, exist or creativity, takhleeq, this should be the reason behind what you do. Dusri cheez main ye samajhta hu वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि हम तालीम पूरी करेंगे तो मैच्योर बन जाएंगे। आज से एक दो हफ्ते पहले मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक पेरेंट आए, उसके साथ एक बच्चा भी था, कहते इसको फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाए, शादी भी करवाई इसके लिए, कहते एक इशू है। बच्चे ने कहा मेरे साथ इशू ये है कि मेरे वालिद साहब मेरी फैमिली के सामने मुझे कहते हैं कि तन्न पुएगे। कुछ तो की समझ आती, कहते अबू को बोलता हूँ कि गाड़ी की चाबी दो, कहते न पुएगे। अबू को बोलता हूँ कारोबार की चाबी दो, कहते तन्न पुएगे। जो काम करने की पहल करता हूँ मुझे कहते हैं कि तन्न पुएगे। सिंपल है कि आप मैच्योर नहीं हो। तो उस लड़के ने कहा मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछ लिया कि आप मुझे ये बताएं कि दातन न पुएगे का लफ्ज कहाँ पर जब पुएगम कला। तो वो ऑफिस में आए तो उसने कहा कि मैं इसके लिए सर्च कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि आप मैच्योर नहीं हो। तो मैंने कहा ये मैच्योरिटी किस दुकान में मिलेगी कि मैं खरीद, कोई दवाई है, कोई सितारा है, कोई आईसी है, क्या है कि मैं लगा दूँ और मैं मैच्योर हो जाऊँ। मैंने कहा बच्चे जब आपके इन लॉस के सामने और आपकी बीवी बच्चों के सामने और आपके फैमिली के सामने आपको आपके अबू कहे कि तन्नप हुएगे और आपको गुस्सा आ गया और आपने रिएक्ट किया तो आप मैच्योर नहीं, और अगर किसी नामनासिब सिचुएशन ट्रबल परेशानी के दौरान आपने उसको पी लिया और उसने आपको एंग्री वायलेंट और एग्रेसिव नहीं बनाया तो आप मैच्योर हैं। कहते अच्छा। तो मैंने कहा जो कुछ आपकी जिंदगी में आपके साथ हो रहा है अगर इसने आपको एग्रेसिव किया, वायलेंट किया तो आप मैच्योर नहीं। हमारे यहाँ खास तौर पर ये मुमंद फैमिलीज में और बाजवड़ फैमिली में एक चीज़ है कि बस मंगने दे मंग बदास मरे जजी ब्रीतू ने 24 आर नहीं वाले। तो बारू तो डेर ही नहीं दे वो वो ये हक ना। बच्चों हमने मैच्योर होना है,
वी हैव टू इनकल्केट दिस स्किल कि हम मिच्योर बन जाए. सामने वाला कोई एक चपेड़ मार दे दूसरी गाल उसके सामने आ गई. कि हमारे माशरे के अंदर बड़े लेवल पे कन्फ्लिक्ट की बुनियादी वजूहात ये हैं कि कोई प्रॉब्लम इशू कन्फ्लिक्ट हमें वायलेंस की तरफ लेकर जाता. ये ठीक नहीं, ये मैच्योरिटी नहीं, ये हमें तोड़ देती है, हमारे माशरे को गिरा देती है, ये अमन का बेड़ा गर्क कर देती है. इसलिए तो यहाँ पे लोग आते नहीं. ये अभी आपको कल मैं अपने मोबाइल में वो खिलजी की डिस्कशन हो रही थी तो आप यहाँ के मैनेजमेंट ने एक ने पूछा कि हु आर यू फ्रॉम दिस एरिया. तो मैंने 1911 का वो भगत सिंह एंड संस का वो अपॉइंटमेंट लेटर देखा. भगत सिंह एंड संस 1911 आके बादशाह. आपके भी नाना किसी हद तक नाना लगते थे. तो दादी से मैंने एक दफा पूछा कि नावागई से क्यों निकल आए. कहते रंग देव रक्षी हुई, सिर्फ लड़ते ही रहे ये लोग. द कोटा वरा नकड़ा अगर आपा से द कोटा वरा नकड़ा द तीगर विश्त द पसी गर्नेट और विश्त. ये बच्चों अल्लाह ने एक खूबसूरत मौका दिया है. ज़बरदस्त कॉलेज अल्लाह ने आपको दिया, बेहतरीन स्टाफ मेंबर अल्लाह ने आपको दिया, आपके प्रिंसिपल टीचर्स को, ऐसा ह्यूमन कैपिटल इससे पहले मैंने कहीं पे नहीं देखा. इस पूरे सेटअप के अंदर से खुद को मैच्योर करो, खुद को तालीम के पीछे जो रीज़न है उसको ढूंढ लो और उस रीज़न से इम्पैक्ट ले आओ. ऐसा नहीं है कि आप जब यहाँ पर होते हो तो बिल्कुल सीधे होते हो, आप जब घर चले जाते हो तो फिर वही हालत. नॉट एट ऑल. यू हैव टू कैरी योर स्किल एंड एबिलिटीज विद यू एवरीवेयर टू ब्रिंग इम्पैक्ट. आप जब हुजरे जाते हैं, गाँव जाते हैं, इलाके जाते हैं, आपका किरदार ये बात करे. आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बर्दाश्त, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मैच्योरिटी पढ़ाए लोगों को कि क्या खूबसूरत किरदार बन के आया है बच्चा. और आपकी किरदार आपके माशरे की तकदीर बदल ले. ये अपने यहाँ पर पढ़ने के पीछे रीज़न को कैरी ऑन करके अपने माशरे को चेंज करने का चैलेंज उठाना है आप लोग. अगर इसको हम करेंगे तो हम समझते हैं कि यहाँ पर आने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न हमने क्वालिफाई कर दे. और अगर वो रीज़न क्वालिफाई नहीं कर दे तो फिर कुदरत के इशारों से और कुदरत के इस आफाकी निज़ाम से टुड्डा मार के निकल गए, अकेले हो जाओ. डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, वायलेंस उसके बाद लाजमी हिस्सा ले लेती है. लोग छपेड़ निकाल कर बाहर कर देते, कोई इज्जत नहीं करता, कोई एहतराम नहीं करता. तो वैसे हमारा ये वाला माशरा, ये इलाका वायलेंस का शिकार भी है, तोड़ का शिकार भी है, बदला भी हम लेते हैं, कीना भी पालते हैं, बुग़्ज़ भी रखते हैं, आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं. बादशाह जी, आपके प्रिंसिपल साहब को कह रहा था कि यहाँ पर एक बंदा था वो मर गया इस ख्वाहिश पे कि मेरा बच्चा यहाँ पे एडमिट हो जाए किसी सूरत. वो अक्सर औकात मिलता था, अल्लाह उसको बख्शिश करे, लेकिन इलाके के बड़े बड़े बंदे थे. लेकिन चूंकि कुछ उसके फैमिली के बंदे यहाँ पर थे तो थोड़ा सा वो अंदर से उनकी एक्सप्रेशन से ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, के देयर नीफ्यूज आर अदर किड्स आर स्टडिंग हेयर और उनका बच्चा यहाँ पे पढ़ नहीं रहा. तो हमारे माशरे में ये चीज़ पोंक पोंक कर पड़ी भरी हुई. एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डिस्ट्रॉय. दिस इज़ व्हाट नोबडी इज़ कमिंग टू दिस एरिया. दिस इज़ व्हाट नोबडी इज़ इन्वेस्टिंग इन दिस एरिया. दिस इज़ व्हाट इन 1911 में माई ग्रैंड फादर वेंट टू, यू माइग्रेटेड टू पिशावर बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू लिव हेयर, नोबडी वॉन्ट्स टू कम हेयर, नोबडी वॉन्ट्स टू ब्रिंग नॉलेज इन ह्यूमन कैपिटल हेयर बिकॉज देर इज वायलेंस, बिकॉज देर इज तोड़, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वी डू नॉट प्रोसीड विद वन डायरेक्शन बिकॉज वी डोंट नो द गोल एंड रीजन बिहाइंड वट वी डू. तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बींग अ स्टूडेंट, रीजन सीखना और अप और उस और रीज़न ये कि इम्पैक्ट करना, प्रोसीड करो उसको अपने इलाके में भी, यहाँ पर भी, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह दुनिया में कुदरत ने जो चीज़ बनाई है उसके साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह आप इस सलाहियत को साथ आगे प्रोसीड करो ताकि कुदरत आपको वहाँ पर पहुँचाए जो आप ड्रीम करते हो. तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद डिस्कशन को क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ लेकर जाए. ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ मज़ीद इसको लेकर जाते. बहुत शुक्रिया बच्चों.